हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो केमिस्ट्री में धातुओं और उनके यौगिक मेटल्स एंड दियर कंपाउंड से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, ये उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। ये हमारा पार्ट टू होगा जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो मैग्नीशियम जो धातु का निष्कर्षण जो है वो हम लोग कार्नालाइट अयस्क से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन से जलती है? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, मैग्नीशियम धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, क्लोरोफिल अणु में निम्न में क्या मौजूद होता है? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो क्लोरोफिल अणु में जो है वह मैग्नीशियम मौजूद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इप्सम साल्ट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, MgSO4 7H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक क्या कौन सा होता है? तो प्रति अम्ल के रूप में क्षारक जो प्रयोग करते हैं वह होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, पोटासियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, बॉक्साइट अयस्क है, आपको बताना है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, आपको बताना है कि वह किसके द्वारा हम लोग करते हैं? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन ही, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो भूपर्पटी में जो सर्वाधिक बाहुल्य धातु है वह है एल्युमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा जो है अधिक खर्चीली हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग जो एल्युमिनियम है वह लोहे से महंगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम किसमें घुले शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रायोलाइट। ठीक है, एल्युमिनियम जो है क्रायोलाइट में घुले शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको बताने की इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्युमिनियम जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ठीक है, यही ऑप्शन इसमें से गलत होगा। नेक्स्ट, कौन सी धातु अपने ऑक्साइड से रक्षित होती है? लोहा, चांदी, सोना या फिर एल्युमिनियम? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, एल्युमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है? सीसा, एल्युमिनियम, निकल या फिर तांबा? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्युमिनियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, सामान्य फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, K2SO4 Al2SO4 2 H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बॉक्साइट का जो रासायनिक नाम होता है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हाइड्रेटेड एल्यूमिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी होता है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एलुमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है, आपको पता नहीं कि इसके पीछे का क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एलुमिना का गलनांक घटाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, वह द्रव्यमान घटाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कैल्शियम फ्लोराइड को मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 2CaSO4H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संगठक है? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, CaSO4 2H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो क्विक लाइम का जो रासायनिक सूत्र है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, CaO, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर का रासायनिक सूत्र है? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, CaCO3। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसको विरंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, और इसका सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। नेक्स्ट, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो डोलोमाइट का जो रासायनिक सूत्र है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, CaCO3 MgCO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके पास चार ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बिना बुझे चूने का जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। ठीक है, नेक्स्ट, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, आपको पता है कि शल्य क्रिया में जो पट्टियों के रूप में प्रयोग करते हैं वह किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, कैल्शियम सल्फेट का हम लोग जो है वह शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने केमिस्ट्री में धातुओं और उनके यौगिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट किया। ठीक है, जिसमें आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग इसके और भी पार्ट लाएंगे और भी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।